पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि पाइथन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बेसिक सिंटेक्स क्या है सो देट वी कैन स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम यूजिंग पाइथन फ्रेमवर्क अच्छा अब यहाँ पर समझने वाली पहली बात यह है कि पाइथन में जो भी हम चीज़ लिखते हैं दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग नो ऑब्जेक्ट इट्स सेल्फ क्या होता है ऑल दो ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होती है और माइड uh, भी हर कंप्यूटर साइंस के कोर्स में भी स्टार्ट uh, में ली जाती है बेसिकली ऑब्जेक्ट इज द बेसिकली रियल वर्ल्ड एंटिटी रिप्रेजेंटेशन यानी कि इससे मुराद क्या है कि जो हमारे रियल वर्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं अगर हम उन्हें कंप्यूटर पे प्रेजेंट करना चाहते हैं तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ ऑब्जेक्ट मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं रियल वर्ड के सच एज टेबल चेयर ह्यूमन सो हाउ वी कैन प्रजेंट दैम ऑन अ कंप्यूटिंग प्रोग्राम फॉर दैट परपज वी कैन यूज ऑब्जेक्ट थिंग टू हैव दैट पर्टिकुलर रियल वर्ड एंटिटी अब जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके दो पार्ट्स होंगे नंबर वन इट्स स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर क्या है फॉर एग्जाम्पल अ चेयर हैज़ डिफरेंट पार्ट्स सच एज इट्स बैक रेस्ट हैंड रेस्ट देन सीट एंड सोन और फिर उसके फंक्शंस क्या हैं? कि चेयर के साथ आप क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इस पर सिट किया जा सकता है इसको धकेला जा सकता है और क्या इसके डिफरेंट फंक्शंस क्या होंगे सो बेस्ड ऑन दो थिंग्स अब क्या होता है कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम उसके स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को कॉल कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर जैसे इस स्लाइड में हमने एग्जाम्पल दी है एक्स डॉट अपर की इससे मुरादी है कि अगर हम कोई वर्ड देते हैं जैसे हम लिखते हैं लेट से हेलो एच ई डबल एल ओ इन स्मॉल केस अगर हम उसे अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जब हम फंक्शन कॉल करेंगे डॉट अपर का तो ये सारे के सारे स्ट्रिंग करेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा नाउ वट आर द बेसिक ऑपरेटर्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हज बेसिक ऑपरेटर्स ऑफ प्लस माइनस एंड सो ऑन इसी तरह हमारे पास अपाइथन में भी यही बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं अब ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो जो ये हमारी एग्जाम्पल है ये बेसिकली हमें सिंपल बता रही है कि अगर हम दो नंबर्स लेते हैं लेट्स एव वी वॉन्ट टू मेक अ कैल्कुलेटर अब अगर हम उसमें सम प्रोडक्ट और रिमाइंडर के फंक्शन करना चाहते हैं तो दैट इज वेरी ईजी कि हम पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करें एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन हेयर वाई इज थ्री तो ये हमने दो वेरिएबल्स वेरिएक्लेयर किए देन वी वॉन्ट टू प्रिंट सम सम का प्रिंट का मतलब ये एक्स जमा वाई करो तो क्या सम आए विच इज शोन हेयर सो इट विल प्रिंट सेवेंटीन देन वी हैव प्रिंट प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई सो इट इज फोर्टी टू एंड देन एक्स मॉडुलस वाई फोर्टीन डिवाइड बाई थ्री मॉडुलस से मुराद रिमाइंडर होता है यानी कि फोर्टीन को थ्री में जब डिवाइड करते हैं तो ट्वेल्व और रिमाइंडर इज टू विच इज शोन हेयर सिमिलरली हमने यहां पर जब ये चीज चेक की एक्स इज इक्वल टू फाइव प्रिंट एक्स स्टार्टेड एज एक्स के पहले यहाँ पे वैल्यू पांच थी X इज़ इक्वल टू एक्स इंटू टू इसको मल्टीप्लाई किया इट बिकम्स टेन और आफ्टर दिस एक्स बिकम्स यानी कि अब ये चीज़ ये बता रही है ये वाला पूरा प्रोग्राम कि जब हमारे पास वेरिएबल हैं और उन पर हमने बेसिक ऑपरेटर्स परफॉर्म किए तो वो अपनी वैल्यू चेंज कर देते हैं और फाइनल वैल्यू वो होती है जो सारे ऑपरेटर्स परफॉर्म करने के बाद आती है यानी कि फाइव से लेकर इलेवन तक का जो सफ़र है इसका वो कैसे हुआ कि पहले टू से मल्टीप्लाई हुआ वैल्यू बिकम्स टेन एंड देन वन इज एडिड सोई बिकम्स इलेवन स्ट्रिंग ऑपरेशन स्ट्रिंग ऑपरेशन क्यों अहम है क्योंकि हमारे पास जो डाटा होता है ज़्यादातर वो टेक्स्चुअल फॉर्मेट में होता है तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे डाटा को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एग्जाम्पल लूँ तो इसमें जो स्ट्रिंग ऑपरेशन है इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर हम दो वेरिएबल्स लें ए इज़ इक्वल टू पैन एंड बी इज इक्वल टू केक सो ए प्लस बी वुड बिकम्स पैन केक पैन केक का वो कंबाइन कर देगा विदाउट आउट स्पेसिस सिमिलरली दिस कैन बी रिटर्न एज ए इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए प्लस बी यानी कि ये दोनों सेम ही थिंग्स हैं कि हम इसको इस तरह लिखें या इस तरह लिखें सिमिलरली इफ वी वॉन्ट टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग हम उसके लिए क्या है कि हमारे पास एक ऑपरेटर है दिस वन लेंथ का जो हमें बता देता है कि इस वेरिएबल की लेंथ जो है वो सिक्स है और ये वाला फंक्शन काफ़ी यूजफुल है इवन इन बनफॉर्मेटिक्स केस आल्सो सो दैट वी वांट टू वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ डिफरेंट सीक्वेंसेस कंकैटिनेटिंग डी सेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स सो इट इज़ अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इन डन इन द प्रीवियस केस कि सिंपल आपने दो सेगमेंट्स लिए और उनको जमा कर दिया और इट बिकम्स दिस इन्फॉर्मेशन सिमिलरली वी कैन डू ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली क्या हो रहा था कि डी एन ए कन्वर्ट्स इन टू आर एन ए तो हमने सिंपल यहाँ पे देखें क्या किया है कि हमने डी एन ए को पहले लोअर केस में कन्वर्ट किया सो दैट इट बिकम्स यूनिफॉर्म यहाँ पर अब कोई ए बड़ा था कोई छोटा था तो इसे हमने लोअर में कन्वर्ट किया और फिर रिप्लेस कर दिया टी को विद यू से तो एज़ यू नो कि डी एन ए और आर एन ए में फ़र्क क्या होता है कि जो टी जो है वो कन्वर्टेड होता है यू में तो ये प्रोग्राम ये हमारा कर रहा है तो इसकी मदद से हम डी एन ए को आर एन ए में कन्वर्ट कर सकते हैं